अ वार्म हेलो टू ऑल द लर्नर्स ऑफ मैथमेटिक मैथ्स अड्डा। क्लास 12th की मैट्रिसेस की नेक्स्ट वीडियो आज मैं लेकर के आया हूँ। लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर हम निकाल रहे हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी, वो सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप सारे वीडियोज़ देख सकते हैं, पुराने वीडियोज़। आज का जो हमारा फोकस रहेगा जिस टॉपिक पे, वो है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक कब कहते हैं। तो ये इस टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको फिर एक क्विक रिवीजन करवा दूँ कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या था। कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल रहे हो तो हमने उसको ए टी या ए डैश से रिप्रेजेंट किया था। और वो क्या था कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो उसके रो और कॉलम को, करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को इंटरचेंज आप कर दो, पहले रो को पहले कॉलम से इंटरचेंज कर दो। तो इस तरीके से जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसको हमने उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहा था। और इसमें हमने देखा था कि जो ऑर्डर है वो ट्रांसपोज के बाद इंटरचेंज हो जा रहा था। कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या बन रहा था, वो सारी चीज़ें हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स को कब कहेंगे, अगर आपको कोई भी, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए सबसे मेन कंडीशन, तो आपको याद रखने की सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ना है, स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ना है, तो उससे पहले उस मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। यानी कि रो और कॉलम, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए। इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब ए डैश इज इक्वल टू ए। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज निकाला और ट्रांसपोज निकालने के बाद फिर से आपको वही मैट्रिक्स मिल गई, तो उस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर हमने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला, आ तो वही रहा है लेकिन नेगेटिव में आ रहा है, ए डैश अगर माइनस ए आ रहा है, तो उस केस में उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। तो पूरा कंसेप्ट ही आपका यहाँ पर ट्रांसपोज पे बेस्ड है, तो ट्रांसपोज आपको आना चाहिए। मैं सिमेट्रिक का भी आपको एग्जाम्पल एक बता दे रहा हूँ और स्क्यू सिमेट्रिक का भी एग्जाम्पल आपको बता दे रहा हूँ। देखिए अगर मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करूं, मैं सपोज़ ए इक्वल्स टू एक 3x3 की मैट्रिक्स ले ले रहा हूं। फर्स्ट रो में -5, 6, 9 ले लिया, 6, 0, 5 ले लिया, 9, 5, 3 ले लिया। अगर इसका मैं ट्रांसपोज निकालूं तो देखते हैं क्या आता है। पहली रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, -5, 6 और 9। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में 6, 0, 5 और 9, 5, 3। देखिए फिर से वही मैट्रिक्स आ गई। तो ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज फिर से वही मैट्रिक्स आ जा रही है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक हो गई। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आप देखिए कैसे पता लगाएं सिमेट्रिक है। ये डायगनल के बाद ये 6 जो एलिमेंट यहाँ पे आ रहा है, इसको याद करने की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा इसको। यहाँ 6 आ रहा है तो यहाँ भी 6 आ रहा है, यहाँ 9 आ रहा है तो यहाँ भी 9 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है तो यहाँ भी 5 आ रहा है। डायगनली आप कोई भी एलिमेंट्स लिख लीजिए, लेकिन प्रिंसिपल डायगनल में कोई भी एलिमेंट आप लिख लीजिए, इसके बाद इन एलिमेंट्स को आपको सेम लिखना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल बताइए, तो डायगनली प्रिंसिपल डायगनल में एलिमेंट्स आपने लिख दिए कुछ भी, और उसके बाद ऐसे इस तरीके से एलिमेंट सेम आने चाहिए। अगर सेम आपने लिख दिया तो ऑटोमेटिकली सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल बन जाएगा। तो ये याद करने की ट्रिक भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं मिलेगी नहीं ये ट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक में आते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक का ये एग्जाम्पल देखें, मैंने लिखा 3, 4, 7 नहीं सॉरी 0, 9 -6 -9 0, 8 6 -8 0। इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो 0, 9 -6 -9 0, 8 6 -8 0। इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये +9 ये -6, ये -9 0 +8 और 6 -8 0। अब आप देखिए फिर से ये वही मैट्रिक्स बन गई, लेकिन आगे से क्या आ रहा है, माइनस का साइन। तो यही क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे याद की जाए, कि कैसे आप एग्जांपल बना सकते हो इंस्टेंटली, आप कैसे एग्जाम्पल बिना याद किए बना सकते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक के सबसे मेन कंडीशन ये है कि इसके प्रिंसिपल डायगनल के ऑल द एलिमेंट्स आर ए आई आई, ऑल द एलिमेंट्स आर 0। प्रिंसिपल डायगनल के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, जो यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है। सिमेट्रिक में क्या था,
डायगनली, प्रिंसिपल डायगनल में कोई भी एलिमेंट आपने लिख लिए, यहाँ इसको याद करने की कंडीशन क्या थी, इस तरीके से एलिमेंट सेम आ रहे थे, ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट और ये एलिमेंट और ये एलिमेंट। यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है, यहाँ एलिमेंट तो सेम आ रहे हैं लेकिन साइन अपोजिट आ रहे हैं, यहाँ प्लस नाइन है तो माइनस नाइन, यहाँ माइनस सिक्स है तो प्लस सिक्स, यहाँ प्लस एट है तो माइनस एट। अब आपको ट्रिक समझ में आ गई कि स्क्यू सिमेट्रिक के जो प्रिंसिपल डायगनल के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, और जो एलिमेंट्स हैं इस तरीके से डायगनली आएंगे तो सेम, लेकिन उनका साइन अपोजिट होगा, साइन अगर सेम है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। तो दोनों को याद करने की ट्रिक आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब आप घर पे क्या करें, सिमेट्री के भी चार पांच एग्जांपल लिखें और स्क्यू सिमेट्री के भी चार पांच एग्जांपल लिखें जो मैंने आपको ट्रिक बताई उस ट्रिक से, तो आपको बहुत अच्छे से दोनों सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक समझ में आ जाएंगे। तो ये बात होगी सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक में ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स का फिर से उसी के इक्वल आता है, और स्क्यू सिमेट्रिक में ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आता है। एक न्यूमेरिकल मैंने लिखा हुआ है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू, ये 2x2 की मैट्रिक्स दी है, देन शो दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। पहले पार्ट में आते हैं, ए आपको दिया हुआ है 2, 4, 5, 6, ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 2, 4, 5, 6, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालते हैं, तो इन दोनों को ऐड करना है, इसका मतलब 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 5 9, 5 प्लस 4 9 और 6 प्लस 6 12। ये ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है उसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कब बोला था मैंने, जब उसका ट्रांसपोज फिर से वही बन जाए, यानी कि हमको जो ए प्लस ए ट्रांसपोज हमने निकाला है इसका फिर से ट्रांसपोज निकालते हैं, एक बार देखते हैं क्या होता है। इसका ट्रांसपोज का मतलब 4 9 9 12, इसका ट्रांसपोज निकालना है इस मैट्रिक्स का, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा 4 9 और 9 12 हो जाएगा, ये फिर से वही आ गया। देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी कि हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाला और ये फिर से वही आ गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फिर से उसी के इक्वल आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। आते हैं सेकेंड पार्ट में, ए माइनस ए ट्रांसपोज अगर हम निकालें तो इन दोनों को माइनस करना है हमको, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 5 माइनस 1, 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 6 0। देखिए डायगनल का एलिमेंट जीरो आ रहे हैं यहाँ पे फिर से। अब हम क्या करेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1 1 0, ट्रांसपोज निकाल दिया हमने सीधे। इसका माइनस साइन कॉमन लेते हैं, देखते हैं क्या आता है, माइनस कॉमन लेंगे तो 0 ये माइनस 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। आप देखिए फिर से वही बन गया है लेकिन नेगेटिव के साथ आ रहा है, यानी कि ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मैंने निकाला वो आ रहा है माइनस ए माइनस ए ट्रांसपोज। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसके नेगेटिव के इक्वल आता है तो उस केस में उस मैट्रिक्स को हमने क्या बोला था, स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ज़्यादा लेंथी वीडियो आज का नहीं बनाया मैंने, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पे फोकस किया था, एक न्यूमेरिकल मैंने आपको करा दिया, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स को याद करने की ट्रिक क्या है वो ट्रिक भी आपको मैंने बता दी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या करना है, स्क्यू सिमेट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगनल के एलिमेंट जीरो होने चाहिए, तो इन कंडीशंस को आप याद करिए और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आप एग्जांपल खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। अगला जो वीडियो मैं लेकर के आऊँगा उसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसका प्रूफ पूरा डिटेल में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ और सारे वीडियो सीक्वेंस में देखते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, बी सेफ़।